नमस्कार साथियों साथियों, टेकीसाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सरकार की नीतियों की सजा भुगत रहे हैं युवा, तो सुरजेवाला जी की ये खबर मुझे काफी अच्छी लगी और इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। जो हरियाणा गवर्नमेंट की क्या जो ये नीतियां हैं, क्या उनसे बेरोजगारी दर लगातार बढ़ती जा रही है। पीटीआई की वैकेंसी देखें, ड्राइंग टीचर की देखें, ग्रुप डी की देखें, बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनको जानबूझ करके लंबा खींचा जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए कि आप क्या कहते हैं। क्या जानबूझकर सरकार कोर्ट में सही तरीके से एफिडेविट नहीं दाखिल करती? क्या वो जानबूझ करके डिले करवाती हैं और भर्तियों को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाती हैं? आप अपनी बातें जरूर, आपकी एक कमेंट और एक लाइक इन बातों को आगे पहुंचाने के लिए जरूरी है। 2021 में 34% की बेरोजगारी दर रही है, बहुत खतरनाक है ये। बेरोजगारी 20 में 32.5 थी, देश में सबसे ज्यादा, यानी कि हर तीसरा युवक बेरोजगार। वाओ, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो ताजा आंकड़ा था उसमें से हर 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार है। क्या आप अपने आसपास इन बेरोजगारों को देखते हैं? क्या आप खुद भी बेरोजगार हैं? कमेंट करके जरूर बताइए, आपका कमेंट बहुत जरूरी है। 25 लाख युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है, ये डाटा दिए गए हैं, सुरजेवाला जी ने बताए हैं। और हम यहाँ पर किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, हम बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। हरियाणा के जो युवा हैं वो दर दर ठोकरे खा रहे हैं। खिलवाड़ कब बंद होगा ये? बिल्कुल सही बात है कि सालों दर सालों भर्तियों को लंबा रखा जाता है, कुछ दिनों बाद उसको कैंसिल कर दिया जाता है, नए फॉर्म भरे जाते हैं। आप यहाँ पर अभी देख पा रहे हो कि कैनाल पटवारी और जो दूसरी हैं वैकेंसीज, उनको कई बार टेस्ट लिए गए, उनको टेस्ट को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि उनमें धांधली हुई थी, बोर्ड के अधिकारी कैद हैं आदि आदि। आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की जो वैकेंसीज हैं उनमें गलत प्रोसेस बनाया जाता है, उनमें गलतियां छोड़ी जाती हैं जानबूझ करके ताकि वो चैलेंज हो। जी हाँ, चैलेंज हो वो कोर्ट के अंदर, और फिर बल्ले बल्ले गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही नहीं है। एनपीएस को लागू नहीं किया जा रहा है, एनपीएस को लागू कर दिया गया है, उसके प्रति भी गवर्नमेंट की कोई जवाबदेही नहीं है। रिजल्ट निकालने में सालों साल निकल जाते हैं। आप देखिए ड्राइंग टीचर की भर्ती, 2006 की भर्ती, आप पा रहे हैं कि उनमें उनका क्या कसूर था, ड्राइंग टीचर्स का, पीटीआई का, और जो भी गलती की गई वो बोर्ड की तरफ से की गई। बोर्ड ने अपनी पूरी बातें आगे नहीं पहुंचाई कि उनसे गलती हुई है, और उसका भुगतान किसको किया गया? 10-11 साल की पक्की जो सर्विस थी उससे निकाल करके उनके घरों का चूल्हा भी बुझा दिया गया। तो पीटीआई लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ड्राइंग टीचर्स लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। ग्रुप डी की देख लीजिए आप, स्पोर्ट्स पर्सन, उन युवाओं को पहले भर्ती किया गया फिर अयोग्य किया गया, ऐसा क्यों? क्यों उनके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया जाता है और बाद में उनको फिर से निकाल दिया जाता है? हालांकि कई बार मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए बोल चुके हैं कि उनका घर का चूल्हा नहीं बुझने दिया जाएगा, फिर भी आश्वासन ही आश्वासन है। आज हर तरफ युवा आक्रोशित है, उनके अंदर आग जल रही है। क्यों? क्योंकि उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, जो पहले लगे हुए हैं उनके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, उनको हटा दिया जाता है। ऐसी जो नीतियां हैं वो बेरोजगारी की तरफ लेकर जा रही हैं। पुलिस कांस्टेबल हो, महिला कांस्टेबल हो, कोई कार्रवाई नहीं। संस्कृत टीचर हो, इंग्लिश टीचर हो, टीचिंग पोस्ट दूसरी हो, जेबीटी टीचर हो, ऐसी बहुत सारी अनगिनत ऐसी बातें हैं जो कि युवाओं के जहन में बसी हुई हैं। तो अगर आप भी बेरोजगार हैं और चाहते हैं कि कुछ करे गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को सुनना नहीं है, उनकी आंख कान सब कुछ अपना कार्य नहीं कर रहे हैं,
तो यहाँ पर केवल रणवीर सुरजेवाला की बात नहीं है, यहाँ पर हर उस बेरोजगार के दिल की बात है जो आहें उनके परिवार से निकलती हैं और आहें जो उनके बच्चों के उनसे निकलती हैं, उनके परिवार से निकलती हैं, उनकी आहें कहाँ तक जाएंगी। आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, ये आपकी बात है, बेरोजगारी की बात है, हरियाणा की बात है।